गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी के लिए IBPS AFO मेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी का गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल्स बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं AFO 2019 मेंस की क्लास, जो कि आपके मेंस के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड है जनवरी में होगा, 29 जनवरी को जो है एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते रहें। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ। जैसे ही जुड़े आप जो है मैसेज करके बताएँ कि आप जो है जुड़ चुके हैं। आप मैसेज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। संदीप जी यहाँ पर जो है आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आप सभी को। और आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो की लिंक को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाएं, ताकि वीडियो को जो हम जल्दी से स्टार्ट करें। और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गजानन जी हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, यहाँ पर जो है सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का ये जो सेशन है वो फिशरीज पे ही बेस्ड है, और कल जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ चेंज करके आऊँ। और मैं आप लोगों के लिए कल जो है आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ अलग कर लेकर आएंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज जो है हम फिशरीज़ पे ही बात करेंगे, और फिशरीज़ के और भी यहाँ पर जो है आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट के साथ में सभी लोग जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फिश सेंटर इज लोकेटेड, यानी कि विश्व मछली केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सभी लोग यहाँ फर्स्ट के साथ मलेशिया के साथ में जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर होगा वो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, इंडोनेशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पे मलेशिया के साथ में अधिकतर लोग जा रहे हैं। सभी जितने भी दोस्त हैं हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं, भाई बंधु जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ मलेशिया के साथ में अधिकतर लोग गए यहाँ पर जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड है, इंडोनेशिया होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा कहाँ पर है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड पिगमेंट ऑफ क्रस्टेशिया सीनियस इन इज नोन एज, क्रस्टेशियन के रक्त वर्णक के रूप में जाना जाता है, हीमोग्लोबिन या फिर हीमोसाइनिन, फाइकोसाइनिन या फाइकोबिलिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी लोग आंसर करना स्टार्ट करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सेकंड को यहाँ पर मार्क किया है वो सभी लोग सही हैं, हीमोसाइनिन इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू, ऑक्सीकरण संबंधित है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन या फैट से। सो ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडाइजेशन, यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड का आंसर करें आप सभी लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, और सबसे फास्ट आंसर कौन कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है किससे संबंधित, सेकंड से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट के साथ में भी कुछ लोग जा रहे हैं। योगिता ने सेकंड को आंसर मार्क किया है। यहाँ पर प्रोटीन भी आंसर आया है, सेकंड भी आया है, तो का आंसर जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन फोर्थ, फैट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पर फैट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेंट इज हाईएस्ट इन, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है पोल्ट्री मैन्योर में, और काऊ डग
पिग मैन्योर या रैबिट मैन्योर में। तो यहाँ पे आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बताना है कि किसमें सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, सेकेंड आंसर आ रहा था अभी। तो आप सभी लोग आंसर करते रहें और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर जो आया था यहाँ पर, सुनील जी ने यहाँ पर फर्स्ट को सेकेंड को मार्क किया है शायद, और महेश जी ने भी आंसर किया था थर्ड मार्क किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करें आप सभी लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जो पोल्ट्री मैन्योर और फर्स्ट 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 के साथ में सभी लोग जा रहे हैं, अधिकतर जो है लोग, अधिकतर जो स्टूडेंट हैं हमारे साथी जो हैं हमारे दोस्त सभी लोग जो है फर्स्ट के साथ में अधिकतर जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, पोल्ट्री मैन्योर इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग लार्जेस्ट टू फिश कैच इन इंडिया, प्रजातियों का वो कौन सी प्रजाति है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उसका योगदान, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पकड़ी जा रही है, उसको उसका जो है यहाँ पर कैच, यानी कि उसको जो है पकड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडियन मैक्रल, सार्डाइन या बॉम्बे डक या टूना। तो आंसर यहाँ पर आया था शायद, एक आंसर किया था किसी ने, मैं नाम नहीं देख पाया। आपसे आंसर आप दोबारा करें, यहाँ पर जो है पहला आंसर जो है आया था। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, आप सभी लोग आंसर करते रहिए। फोर्थ फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फोर्थ संदीप जी जो है फोर्थ के साथ में, और सुनील जी फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट के साथ में काफ़ी लोग फर्स्ट के साथ में भी जा रहे हैं, फोर्थ के साथ में भी कुछ लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, सेकंड फर्स्ट आंसर है इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जो है सेकंड आंसर था आपका। और क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करें, मोस्ट प्रेफर्ड फूड आइटम ऑफ कार्प्स स्पॉन, कार्प स्पॉन का सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ कौन सा है। रोटिफ, रोटिफर होगा यहाँ पर, रोटिफ नहीं होगा, रोटिफर होता है, रोटिफर या फिर फाइटो प्लंक्टन, क्लोरेला, सुदी नहीं, सुनील जी हैं यहाँ पर, पटेल जी यहाँ एक सुनील जी भी हैं। सुदीप बिल्कुल, मैं आपका नाम लूँगा बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आप आंसर करते रहिए। आंसर जो नाम जो है जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो जिसका जो सामने आ जाता है उसका जो है ले लिया जाता है। अगर आपका भी नाम मैं लेता रहूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप जी है यहाँ पर, सुदीप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करें थर्ड फोर्थ सेकंड, यानी कि आंसर जो है यहाँ पर सुदीप पटेल जी ने सेकंड का, अमोल जी ने थर्ड को, अर्जुन जी ने सेकंड को शायद यहाँ मार्क किया है, फोर्थ को मार्क किया है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आज कौन सा डे है, आज जो है कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप सभी लोग बताएं कि आज कौन सा डे है। आप पहले डे बताएं उसके बाद मैं आंसर इसका जो है यहाँ से डिस्प्ले करूँगा। सबसे उसके पहले आप लोग बताएं कि आंसर ये बताएं आप कि आज कौन सा डे है। डेट मत बताइएगा कि सर आज जो है ये डेट है, आज कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आप सभी लोग। आंसर करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स का तो आंसर मैं बताऊंगा, आप सभी लोग जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करें आप सभी लोग। अभी तक क्योंकि आंसर आया नहीं है कि आज कौन सा डे है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको यहां से कि आज कौन सा डे है। तो फ्रेंड्स आज जो डे है वो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर डे, यानी कि भारतीय कृषि दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके जो है याद रखिएगा, आज की डेट आपको याद रखना है, तो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर डे यहाँ पर जो है आंसर आ गया है, एग्रीकल्चर डे ही है आज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर जो ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, रोटी फर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह मैं पीडीएफ में इसे मैं सही कर दूंगा, पीडीएफ जब मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा तो वहां पे मैं इसकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो गई है वो मैं सही कर दूंगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन रिवर प्रॉन इज एसोसिएटेड विद, भारत की झींगा मछली से जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने और आप आंसर मार्क करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, 20 सेकेंड है आप सभी के पास आंसर मार्क करने के लिए। थर्ड सुदीप पटेल थर्ड के साथ में गए हैं, अमोल गगन जी फर्स्ट के साथ में, और भी आंसर जो है यहाँ पर आ रहे हैं फर्स्ट से थर्ड के साथ में, यहाँ पर अर्जुन जी जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7th है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को सेलेक्ट किया है वो सभी लोग सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द योगिता जी ने फर्स्ट को आंसर किया है, फर्स्ट नहीं होगा योगिता जी, यहाँ पर थर्ड आंसर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका सही आंसर था थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या ओडिशा में? तो आपको यहाँ पे स्टेट बताना है कि कौन से स्टेट में ये लोकेटेड, यानी कि वहाँ पर स्थित है या है। तो आप सब लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फोर्थ सुदीप पटेल जी फोर्थ के साथ में यानी कि उड़ीसा के साथ में जा रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर जो है यहाँ पर सबसे पहला आंसर सुदीप जी ने किया है, आप सभी लोग आंसर करें कि क्या होगा इसका सही आंसर। सुदीप ने यहाँ फोर्थ को मार्क कर दिया है, और आप सभी लोग किसे मार्क करेंगे कमेंट करके बताएं जल्दी से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको जो है रिजर्वायर जो है उन्हें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओडिशा सेकंड के साथ, योगिता जी सेकंड, हिमाचल प्रदेश के साथ में, सुदीप पटेल चिल्का लेक जो है, अच्छा लेक बता रहे हैं ओडिशा में जो है, अच्छा, और जो है यहाँ पर आंसर आइए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, ओडिशा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस ब्लैंक सेल्स इन द ब्लड इंक्रीजेज इट, रामचंद्र कहाँ थे आप? बहुत दिनों के बाद आज आप आए हैं, जो है आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, फिर भी इस बार जो है आप लोग, आपने जो है काफ़ी छुट्टियां कर ली बीच में, आज जो है आए हैं यहाँ पर, जो है आंसर फोर्थ का किया प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें रामचंद्र जी, यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आज आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर है, ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन ब्लैंक सेल्स इन द ब्लड फर्स्ट, फर्स्ट सभी लोग फर्स्ट के साथ आरबीसी के साथ में जा रहे हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, रीड कर लें उसके बाद आंसर करें। इनके इट्स नंबर, तो आइए देखते हैं, आप सभी लोग आंसर करते रहिए, मैं उसके बाद आपसे आपको बताऊंगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ से आंसर क्या होगा मैं आपको जो है मार्क करूँगा। थर्ड फोर्थ, रामचंद्र जी फोर्थ के साथ में जा रहे हैं, सुदीप पटेल जी जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आपका, WBC वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ स्पॉन्स एंड श्रिम्प्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, स्पॉन और श्रिम्प्स की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन होता है मलेशिया में, इंडिया में, USA या थाईलैंड में, तो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है? लता भाटिया जी, आयुष जी ने यहाँ पे आयुष जो है फोर्थ को मार्क कर रहे हैं, लता जी फर्स्ट को मार्क कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करते रहें। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करने के साथ साथ में आप जो है जो थंबनेल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लाइक का, उसे भी प्रेस कर दीजिए एक बार, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे जो है ये फील होता है कि आप सभी लोग को बहुत ही पसंद आ रहा है और सेशन जो है अच्छा है। यहाँ पर फर्स्ट के साथ में सभी लोग, योगिता, अमोल, गगन जी सभी लोग फर्स्ट के साथ यानी कि मलेशिया के साथ में जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके पहले आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि क्या होगा, तो आप सभी लोग आंसर करते रहें।
क्योंकि यहाँ पे आंसर तो मेजोरिटी में जो है मलेशिया के साथ में सभी लोग गए हैं, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फोर्थ आयुजिन जो है यहाँ पर फोर्थ के साथ में है, तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन फोर्थ को सेलेक्ट किया है वो सभी लोग सही हैं। थाईलैंड है यहाँ पर, तो ये याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल मरीन फिश प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट इज इन, वैश्विक समुद्री मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा है नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका या अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। चारों आपके जो है कॉन्टिनेंटल हैं, ये महाद्वीप हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंटल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है फिश का, समुद्री मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। आंसर फर्स्ट फर्स्ट थर्ड सेकंड आंसर आना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो देखना ये है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप करते रहिए, मैं बताता हूँ आपको यहाँ से आंसर इसका। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, एशिया जो है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा होते यहाँ पर जो है समुद्री, वैश्विक जो समुद्री मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो एशिया महाद्वीप में होता है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन और है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा इन चार में से, इन चार में ही है, सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि इन चार में से ही हैं वो दोनों। तो कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताएं जल्दी से, कि सबसे विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और उसके पास सबसे छोटा कौन सा है। थर्ड फोर्थ, सुनील जी, हाँ सुनील जी, हाँ थर्ड फोर्थ को कह रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग जो है यहाँ पर आंसर कर रहे हैं थर्ड फोर्थ को, थर्ड फोर्थ को, तो बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश मील सप्लाई, थर्ड फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी लोगों ने बिल्कुल एशिया बिगेस्ट, हाँ अफ्रीका स्मॉल, नहीं अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 12th क्वेश्चन है, अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश मील सप्लाई कम्स फ्रॉम, दुनिया की मछली जो है 80% वो कहाँ से आती है? कौन, चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। अभी तक स्टिल आंसर आया नहीं है। फोर्थ फर्स्ट, सुदीप जी, सुदीप पटेल फर्स्ट को, रामचंद्र जी सेकंड को, सुनील जी फोर्थ को मार्क कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मेजोरिटी में आंसर नहीं आए हैं इस बार। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ पर साउथ अमेरिका से, जो साउथ अमेरिका है वहाँ से जो है 80% जो वर्ल्ड में जो है इसकी सप्लाई होती है वो आती है आपकी साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अमोल जी ने थर्ड को, थर्ड नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है साउथ अमेरिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वा कल्चर टू टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट, भारत में कुल मछली उत्पादन के लिए जो एक्वा कल्चर का योगदान लगभग कितना है? 32%, 22%, 50% या 40%? यहाँ पे एक बार फिर से आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड के साथ में अमोल जी, सेकंड के साथ में रामचंद्र, थर्ड के साथ में जा रहे हैं, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग आंसर करते रहें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, और मैं आपको यहाँ से मार्क करूँगा कि क्या होगा इसका सही आंसर।
और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रूटफुल हैं। यहाँ पर सुदीप पटेल जी यहाँ पर जो है 40% लिख रहे हैं, तो यानी कि फोर्थ के साथ में जा रहे हैं, और यहाँ पर सेकेंड यानी कि आंसर जो है मेजोरिटी में नहीं आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है कि क्या होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। यहाँ पर 50% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क सिल्वर ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ। शार्क सिल्वर जो होता है देखिए, क्वेश्चन आपने जो है क्वेश्चन जो 12 था वो बात आपकी सही है, लेकिन वहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी जो लैंग्वेज को आप पहले समझिए कि क्वेश्चन ने वहाँ पर क्या बोला था, ठीक है। आप जो है उसको क्वेश्चन को वीडियो को फिर से देखिएगा, और वहाँ पे आपको आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये जो आप जो है क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 12 का यानी कि 50% का, यहाँ पर आंसर जो है सेकेंड सेकेंड आना स्टार्ट हो चुका है। मैं नाम नहीं आपका देख पाया। देखिए वहाँ पे जो है, देखिए वहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपको बताया ग्लोबल जो आपने क्वेश्चन किया है वहाँ पे मरीन फिश प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे जो समुद्री मछली की बात वहाँ पे कर रहा था, वहाँ पे बात कर रहा है जो 80% है वो खाने योग्य की बात कर रहा है, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन को वीडियो को रिवाइंड करके जो है आप देखिएगा, आप जो है आपको वहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग कर रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, और अधिकतर लोगों ने यहाँ पे जो है आप सभी लोगों ने सेकंड को मार्क किया है। जिन लोगों ने सेकंड मार्क किया वो सभी लोग सही हैं। विटामिन ए जो है इसका गुड सोर्स है, यहाँ पर शार्क सिल्वर जो है विटामिन ए का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट एयर ब्रीथिंग फिश इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज। भारतीय उपमहाद्वीप में वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण वायु वायु श्वास मछली कौन सी है। यहाँ पर तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। एंगुइला बैंगलेसिस, नाम थोड़े जो है अटपटे से हैं, कोई बात नहीं, आपको जो है याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो याद करना पड़ेगा। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे गजानन जी फर्स्ट को, सुनील जी भी फर्स्ट को कर रहे हैं, तो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट फर्स्ट आंसर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग आंसर करते रहिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तब तक जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर आप जो है मार्क करते रहिएगा। और आप सभी लोग जो है क्वेश्चन कोई भी हो, जब आप एग्जाम में भी बैठेंगे आपको टाइम, यहाँ पे थर्ड के रामचंद्र जी ने थर्ड को मार्क किया, अर्जुन जी ने भी थर्ड को, सुदीप पटेल जी ने भी फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं। जब आप जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम हॉल में जब होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है पहली बात तो रिलैक्स होके आपको बिल्कुल बैठना है, वहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन कोई भी आपके सामने, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उससे जो है आप केयरफुली पढ़ेंगे, उसमें जो है उसके बाद आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होगा, क्योंकि टाइम जो 45 जो मिनट मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ होगा। यहाँ पर हेट्रोनियोस्टेस चिताला इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है फोर्थ होगा आंसर। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन सैड इज। भारतीय सैड का वैज्ञानिक नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको मार्क करना है साइंटिफिक नेम, तो आंसर करें क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपके सामने, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है यहां पर वो ऑप्शन सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल फिश ऑफ इंडिया इज। भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है। इन चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रेस्ट्रेलिजर,
कांगुरेटा या फिर लेवियो रोहिता या कैटला होगा या क्लेरियास बैट्रेकस। सेकंड थर्ड फर्स्ट आंसर यानी कि डिफरेंट डिफरेंस आ रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को मार्क किया है वो सभी लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ क्रिल इज, क्रिल की सबसे प्रमुख जो है प्रजाति कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने, इन चार में से आपको बताना है उसका सही आंसर कि क्रिल की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है। ए अर्जुन ने फर्स्ट को मार्क किया है और अमोल जी सेकंड आंसर कर रहे हैं। तो आप सब तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका है वो है ऑप्शन सेकंड। जिन लोगों ने ऑप्शन सेकंड को सेलेक्ट किया है वो सभी लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द कॉन्टिनेंटल स्लोप एक्सटेंड्स फ्रॉम, महाद्वीपीय ढलान जो कॉन्टिनेंट भी। हाँ बिल्कुल सुदीप पटेल जी थर्ड को, लेकिन अर्जुन जी सेकंड को मार्क कर रहे हैं। हाँ जिन लोगों ने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया इसको जो है सेकंड सेलेक्ट किया था वो सभी लोग सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19 का, द कॉन्टिनेंटल स्लोप एक्सटेंड फ्रॉम 200 to 500 मीटर या 100 to 200 मीटर या 500 to 700 मीटर या 150 to 450 मीटर। फर्स्ट आंसर सुदीप पटेल जी ने सेकंड को किया, अर्जुन रामचंद्र जी ने फर्स्ट फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जो है फर्स्ट के साथ में अधिकतर लोग जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट किया है वो सभी लोग सही हैं। 200 से 500 मीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है येलो फिन टूना इज, येलो फिन ट्यूना है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, कैट्स वोनस पैलेमिस या ऑक्सिक थेजार्ड या जिम्नोस जिम्नोसार्डा यूनिकलर या फिर थ्यूनस एल्बेक कोर्स। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करना स्टार्ट करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। येलो फिन ट्यूना इज, येलो फिन ट्यूना जो है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, फोर्थ के सुदीप पटेल फोर्थ, अर्जुन जी थर्ड को मार्क कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड फोर्थ और भी आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा। यहाँ पर थ्यूनस एल्बा कोर्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइलोसोमा इज द लार्वा ऑफ, फाइलो सेमा सोमा फर्स्ट यहाँ पर जो है बाइवॉल्व्स ओस्टर लॉबस्टर या फिर कैटल फिश। आंसर जो है फर्स्ट, रामचंद्र जी ने अगर क्वेश्चन 21 का आंसर शायद फर्स्ट ही कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। आप सभी लोग आंसर करते रहें, जल्दी से आंसर करते रहें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ आंसर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अर्जुन जी सुदीप जी यहाँ थर्ड को कर रहे हैं। हाँ जी जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट किया वो सभी लोग सही हैं। लॉबस्टर इज़ अ राइट आंसर, झींगा मछली जो एक समुद्री मछली होती है। नेक्स्ट है कोरल रीफ्स आर फाउंड इन इंडिया अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ, कोरल रीफ्स भारत के तटों के साथ भारत में पाए जाते हैं। कौन से तटों पे पाया जाता है, सागर आइसलैंड्स या बिल्कुल यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पर जो है काफ़ी लोगों ने जो है इसके पहले भी जो सेशन हुआ था उसमें भी काफ़ी दिनों से जो है 2-3 सेशन से जो है आ रही है, यानी कि इस पर जो है रिक्वायरमेंट कर रहे हैं सभी लोग जो है इस पर बनाइए। ठीक है मैं जो है कल मैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर करें 22nd जो आंसर है आपका सागर आइसलैंड, केरला अंडमान निकोबार आइसलैंड या फिर आंध्र प्रदेश। थर्ड आंसर आना स्टार्ट हो चुका है यानी कि अंडमान एंड निकोबार।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी लोग जो है आंसर करते रहें, उसके बाद मैं यहाँ से मार्क करता हूँ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन थर्ड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहंद रिजर्वायर इज नोन फॉर द फिशरी ऑफ लार्ज साइज। रिहंद जलाशय जो है, हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर जो है मैं कल सेशन लेकर आऊँगा। जलाशय बड़े आकार की मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सी मछली है आपके सामने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इनमें से बताना है। एम एम मरीगला, या फिर डब्लू अटू, या फिर पी पेंगेसियस, या सी कैटला, यानी कि कैटला कैटला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें कि जो रिहंद रिजर्वायर है आपका वो जाना जाता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आंसर, सभी आंसर आ गए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जो है यहाँ से आंसर मार्क करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन फोर्थ को यहाँ पे मार्क किया है वो सभी लोग सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैटला कैटला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुना सागर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। नागार्जुन सागर कौन से राज्य में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आंसर आ रहा है। तो आप सभी लोग आंसर मार्क करते रहिए, आंसर करते रहिए, और मैं बताता हूँ आपको यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द वेल नोन, हाँ बिल्कुल आंध्र प्रदेश था, लता भाटिया जी ने यहाँ पे सेकंड को मार्क किया, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। अर्जुन जी भी आंध्र प्रदेश कर रहे हैं, सभी लोगों ने आंसर सही किया है। इस क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द वेल नोन रिजर्वायर ऑन ताप्ती रिवर इज। ताप्ती नदी पर जाने माने यानी जाना माना जलाशय कौन सा है, हीराकुंड, उकाई, अलियार, या सरदार सरोवर। तो ताप्ती नदी पर कौन सा रिजर्वायर यहाँ पर है आपको बताना है, तो आंसर करना सेकेंड, गजानन जी सेकेंड, यानी कि उकाई। उकाई के साथ में जा रहे हैं, आंसर करते रहिए आप सभी लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर बहुत लेट हो रहा है यहाँ पे, अभी तक जो है एक ही दो लोगों ने आंसर मार्क किया है। तो आइए देख लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, फर्स्ट ओडिशा और सेकंड उकाई, आंसर यानी कि उकाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सेकंड होगा, उकाई। ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और आपके 25 क्वेश्चंस के ये आंसर रहे, और मैं PDF फाइल में भी आंसर इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद जो है आज के जो क्वेश्चन सेशन में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए, और कल का जो सेशन होगा अर्जुन सेकंड को, हाँ बिल्कुल सही था आपका आंसर, कल का जो सेशन होगा दोस्तों वो होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर। तो आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को जो है पढ़ के आइएगा, और यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि आप जो है उसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करके बताइएगा, सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, आपके लिए फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप जो है अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और एग्रोनॉमी पे भी बनाएंगे बिल्कुल। लता भाटिया जी, मैं आपकी बात को जो है बिल्कुल ध्यान में रखूंगा, और एग्रोनॉमी पर भी बनाऊंगा, और एग्रोनॉमी पर मैं कुछ वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और मैं उसके लिए भी और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को जो है इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, 5 बजे फिर मिलते हैं, भूलना मत, बाय बाय।